आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो आवर क्वेश्चन इज द के अल्फा एक्स रे ऑफ मोलिबेडनम हैज वेवलेंथ ऑफ 0.071 नैनोमीटर। इफ द एनर्जी ऑफ ए मोलिबेडनम एटम विद ए के इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ दिस एटम व्हेन एल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट विल बी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो हमें क्वेश्चन में दिया है कि के अल्फा एक्स रे की वेवलेंथ 0.071 नैनोमीटर है मोलिबेडनम के एटम में, और एनर्जी दी हुई है अगर हम के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं मोलिबेडनम के एटम से तो हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो हमें पूछी गई है एल इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो सॉल्यूशन, ये एनर्जी लेवल के होगा और उसके बाद एल, उसके बाद एम, ऐसे एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो हमें दिया हुआ है कि के से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें दिया हुआ है के अल्फा एक्स रे की वेवलेंथ। के अल्फा का मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एल से जंप करके के शेल में आता है तो जो एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है इसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज होता है जिस फोटोन की वेवलेंथ है 0.071। सो बेसिकली जो फोटोन रिलीज हुआ है जिसकी वेवलेंथ ये है वो उसकी एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर रही होगी। सो हम उस फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। सो एनर्जी ऑफ दैट फोटोन विल बी इक्वल टू ए इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। सो एच की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमडा। लेमडा यहाँ पे दिया हुआ है 0.071 नैनोमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बेसिकली जो फोटोन है उसकी एनर्जी 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, इसका मतलब जो एनर्जी गैप है के और एल सेल के बीच में वो है 17.5 इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे के से इलेक्ट्रॉन निकालने पे हमें 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। सो और तो हमें एनर्जी निकालनी है जो देनी पड़ेगी एल सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ई एल इक्वल्स टू हो जाएगा 27.5 माइनस 17.5 इक्वल्स टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।